गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 25 सितंबर पे हम पहुंच चुके हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और शुरुआत करेंगे वेरियस टॉपिक्स के साथ जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल जो रिसेंटली पास किया गया है इसके बारे में देखेंगे। देन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में भी एक एमसीक्यू है यहाँ पर। यूनाइटेड नेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटर गवर्नमेंटल नेगोसिएशन IGN के ऊपर एक एमसीक्यू है। स्वच्छ विद्यालय अभियान देखेंगे। राइट टू एजुकेशन के ऊपर भी हम एक डिस्कस करेंगे एमसीक्यू को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिकेटर्स रिपोर्ट को भी यहाँ पर डिस्कशन करते हुए सेस और साथ में सरचार्ज के ऊपर इकोनॉमिक्स के दो टॉपिक्स हैं इसको डिस्कस करेंगे। एंड देन प्लास्टिक पार्क्स के बारे में देखेंगे। शुरुआत करते हैं एक यूपीएससी की कोटेशन के साथ। यू डोंट ऑलवेज गेट व्हाट यू विश फॉर, यू गेट व्हाट यू वर्क फॉर। इसे यूपीएससी के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, ये जो चीज़ है ये सिर्फ यूपीएससी में नहीं, आपकी लाइफ में भी अप्लाई होती है कि आपको लाइफ में वही चीज़ें मिलती हैं जिसके लिए आप एफर्ट करते हैं, जिसके लिए आपने हार्डवर्क किया हुआ है, जिसके लिए आप प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि चीज़ों को विश करके कि आप जस्ट ये विश करें दैट आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर वो चीज़ पूरी हो जाएगी, तो ऐसा लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, लेट अलोन द सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पे व्हाट यू विश फॉर एंड व्हाट यू वर्क फॉर, देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उस डिफरेंस को कम करना है। सो व्हाट यू विश फॉर शुड बी सपोर्टेड बाय व्हाट यू वर्क फॉर। तो जो आपके विशेज हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो अगर वर्क से, हार्ड वर्क से सपोर्टेड रहेंगे तो डेफिनेटली आपके विशेज पूरी हो जाएंगे। लेकिन अगर विशेज जो हैं उसके पीछे एक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ फिर विश बन के ही रह जाएंगी और कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। सो टू मेक योर विश अ रियलिटी यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू सपोर्ट योर विश विद द एक्शंस। जो भी एक्शंस की जरूरत है अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो आप करिए, इवेंचुअली आपके जो ड्रीम्स हैं वो रियलाइज हो जाएंगे। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आपने भेजी वो स्क्रूटनाइज प्रोसेस के अंदर अभी हैं, उनकी स्क्रूटनी करी जा रही है। तो विद इन 3 डेज आपको इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो न्यू मेंबर्स ने ज्वाइन किया उनको वेलकम कर लेते हैं। तो प्रकाश गुप्ता ने, महेश यादव ने एंड बशीर पाशा ने किया, सो वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। मार्किंग स्कीम के बारे में आप जानते हैं कि आपको 6-6 से ज़्यादा स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 आपका स्कोर आता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, 1 घंटे के बाद दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जो भी हैं, आपके जितने भी मार्क्स आते हैं, चाहे 0 भी क्यों ना हो, उसे ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है किस चीज़ को लेकर, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 को लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट, इट सीक्स टू रिप्लेस द मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963। तो जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 है ये उसको रिप्लेस करेगा। सेकंड, द बिल विल हेल्प द पोर्ट्स डेवलप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनहेंस ट्रांसपेरेंसी। ये जो पर्टिकुलर बिल है इससे क्या होगा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा और ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो इंक्रीज होगी। थर्ड, इट प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ अ बोर्ड ऑफ पोर्ट अथॉरिटी फॉर ईच मेजर एंड माइनर पोर्ट। तो जो भी हमारे यहाँ पे मेजर और माइनर पोर्ट है उनके लिए क्या बनाया जाएगा, उनके लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा पोर्ट अथॉरिटी का। तो बोर्ड ऑफ पोर्ट अथॉरिटी जो है हर यहाँ पे पोर्ट के लिए बनाने का प्रावधान किया गया है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप सोच लिया होगा इसके आंसर के बारे में। तो रिसेंटली लोकसभा ने जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी बिल 2020 है इसको पास कर दिया है। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी ये बिल्स पास होते हैं एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी। तो यहां पे जितने भी बिल्स पास होंगे हम उनको अपने एमसीक्यूज के जो लेक्चर्स होते हैं इसमें अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जो होते हैं यूपीएससी के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम हर स्टेटमेंट जो है 3-3 स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन बनाते हैं ताकि जो एक क्वेश्चन है उसमें कम से कम 3 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं। तो यहां पे क्या मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 को रिप्लेस किया जा रहा है बाय मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 के द्वारा? तो यस, ये जो पर्टिकुलर बिल है ये पुराना मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट जो है उसको रिप्लेस कर देगा, ध्यान रखिएगा। सेकंड, जो है बिल जो है उससे क्या होगा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। तो जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का प्रोविजन इसके अंदर है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो हमारे पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स का यूज किस लिए किया जाता है, एक्सपोर्ट के लिए। तो अभी जो है एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनाने की तरफ हम चल रहे हैं और साथ में इंडिजिनस प्रोडक्शन की भी बात हो रही है, मतलब हमारी जो डिपेंडेंस है वो एक्सपोर्ट के ऊपर खत्म करी जा सके और दूसरे लोगों को, दूसरी कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट कर सके, उसके लिए एक स्ट्रांग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो अगर पोर्ट आपके स्ट्रांग होंगे तो आसपास की कंट्री से और वाटरवे को यूज करते हुए आप सामान को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि वाटरवे से सामान पहुंचाने की जो पर किलोमीटर कीमत होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। तो आसपास की जो इंडियन ओशन की कंट्रीज है वहां पर इन पोर्ट्स को यूज करते हुए जो कार्गो होंगे वो भेजे जा सकेंगे।
तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं, तो क्या इस पर्टिकुलर बिल के अंदर जो अभी एक्ट यहां पे बन जाएगा उसके अंदर क्या मेजर और माइनर पोर्ट्स के अंदर बोर्ड ऑफ पोर्ट अथॉरिटी बनाने की बात करिए। देखिए लेजिस्लेशन जो है वो प्रोवाइड करता है कि एक बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी होना चाहिए हर मेजर पोर्ट के लिए, ठीक है। तो जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं उसके लिए बोर्ड ऑफ पोर्ट अथॉरिटी बनाने की बात करी गई है, लेकिन माइनर पोर्ट के लिए नहीं करी गई है। इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ए, पहली दो स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में है। तो यहाँ पे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने अपनी ट्रिब्यूट्स पे करी है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। इसी वजह से ये न्यूज़ में भी था ये आर्टिकल, और हमारे एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर हम रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में पूछें तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। तीन स्टेटमेंट दे रखी है। पहली कहती है ही इज नोन बाय हिज पेन नेम दिनकर, उनका पेन नेम दिनकर था। मे बी ही यूज टू कॉल हिमसेल्फ अ गुड गांधियन, वो अपने आप को गुड गांधियन के तौर पे कहते थे। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 1959, उनको 1959 के अंदर पद्म भूषण दिया गया था। सोचिए चलिए, बैकग्राउंड तो मैंने आपको बता दिया कि बर्थ एनिवर्सरी पे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ट्रिब्यूट्स जो है वो पे करिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को, इनको पद्म भूषण जो है 1959 में दिया गया था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इनका जो पेन नेम था वो दिनकर था, तो ये पहली स्टेटमेंट भी ठीक है। वो अपने आपको गुड गांधी नहीं, वो अपने आपको बैड गांधी कहते थे, तो इसी वजह से सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। इसके अलावा दिनकर जो थे उनको 3 times राज्यसभा के मेंबर के तौर पे चुना गया, एंड ही वॉज द मेंबर ऑफ दिस हाउस। कब से कब तक वो इस हाउस के मेंबर है? 1952 से 1964 तक, ध्यान रखिएगा, 1952 से 1964 तक, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए कि उन्हें बैड गांधियन क्यों कहा जाता था, ठीक है। आप काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे देखेंगे तो एक जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ नया निकाल के आइएगा इस चीज़ के ऊपर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि उन्हें बैड गांधीन वो अपने आप को क्यों कहते थे, ठीक है। फिलहाल हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। बैड गांधीन अपने आप को कहते थे, ऑलमोस्ट सभी साइट पे सेम ही रीजन लिखा गया है, इसमें कुछ नया मुझे बताने की आप एक बार कोशिश करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन जो है वो G4 के बारे में है, पूछा गया G4 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। दो स्टेटमेंट दे रखी है ये G4 कंट्रीज के बारे में। रिसेंटली जो है फॉरेन मिनिस्टर्स ग्रुप ऑफ 4, G4 जिसको कहा जाता है, जिसमें 4 countries हैं, उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग जो थी वो करी थी रिसेंटली ही। इसी वजह से ये ग्रुपिंग दोबारा से न्यूज में थी, इसके ऊपर आर्टिकल्स थे। लेट सी क्या बात करिए। पहली स्टेटमेंट यहां पे कहती है G4 इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट आर सीकिंग परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो UNSC के अंदर परमानेंट मेंबरशिप के लिए G4 जो है ये कंट्रीज ट्राई कर रही हैं। G4 नेशंस के अंदर कौन कौन आता है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। तो यहां पे ये 4 countries जो नाम दिए गए हैं BAIJ, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, इस G4 ग्रुपिंग्स के अंदर आते हैं। सोचिए। चलिए देखिए, यूनाइटेड नेशन जो है 75th एनिवर्सरी अपनी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है, और इसी वजह से ही जो G4 है इसका भी जिक्र किया हुआ था। G4 कंट्रीज वही कंट्रीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबरशिप की बात कर रही हैं, क्योंकि ये जो कंट्रीज है काफी सिग्निफिकेंट, काफी कॉन्स्पिक्यूस कंट्री है, जिसमें इंडिया भी एक G4 का मेंबर है। और ये कंट्रीज का कहना ये है, एंड राइटली सो, दैट दे डिजर्व टू बी एज अ परमानेंट मेंबर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC के अंदर, वो होना डिजर्व करते हैं। बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनको मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप जो है वो नहीं दी जा रही है। G4 के अंदर पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड की बात करूं तो इसमें कंट्रीज कौन कौन सी है? ब्राजील है, बिल्कुल है, जापान है, इंडिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जर्मनी है, ठीक है। तो ये 4 countries है, ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा ए, ये 4 countries के फ्लैग्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन के बारे में है, IGN। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ IGN, इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन के 3 जो ग्रुपिंग्स हैं उसके नाम दिए गए हैं, और आपको बताना कि कौन सी जो यूनियन है, लीग है, जो ग्रुपिंग्स हैं, जो ब्लॉक है, वो इसके मेंबर है। क्या अफ्रीकन यूनियन इसके मेंबर है, अरब लीग, कैरिबियन कम्युनिटी? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन एक ऐसा ग्रुप है जो कि
बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ नेशन स्टेट्स जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए इसके बारे में डिस्कशन करता है, ठीक है, कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन को बेटर बनाया जा सकता है, यूएनएससी को बेटर बनाया जा सकता है, तो इन सब चीजों के बारे में बात होती है। आईजीएन के बारे में बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन जो है इट्स कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, काफी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर है जो टाइम टू टाइम यूनाइटेड नेशन के सुधार के लिए, यूएनएससी के सुधार के लिए अपनी रिकमेंडेशन देती रहती है। कौन कौन से मेंबर्स हैं इसके अंदर, बेसिकली कौन कौन सी ग्रुपिंग्स है, G4 मैंने आपको बताया, G4 इसके अंदर है, देन एक और है UFC ग्रुप है, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस ग्रुप, ठीक है, ये भी इसके अंदर है। देन देयर इज अनदर ग्रुपिंग ऑफ 69 ग्रुप ऑफ डेवलपिंग, L69 ग्रुप जो कि डेवलपिंग कंट्रीज का जो ग्रुप है। देन इसके अंदर अरब लीग भी है, तो सेकंड यहां पे करेक्ट हो जाता है। देन इसके अंदर कैरेबियन कम्युनिटी भी है, ठीक है, और साथ में अफ्रीकन यूनियन भी इसका मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये तीनों कम्युनिटीज हैं। तो आप इसके अलावा जो बाकी ग्रुपिंग्स है, G4 है, UFC, L69 डेवलपिंग कंट्रीज है, इनके नाम भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकते हैं इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन का पर्पस क्या है और इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है स्वच्छ विद्यालय अभियान के बारे में। देखिए हमने स्वच्छ भारत अभियान देखा, हमने स्वच्छ रेल अभियान देखा, उसी की तर्ज पे यहां पे स्वच्छ विद्यालय अभियान जो है वो लेके आया गया है, ठीक है। जब भी स्वच्छता के ऊपर क्वेश्चन आएगा, जब भी सैनिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, यही चीजें आपको मेंस में लिखनी है, क्योंकि इन्हीं चीजों से आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप देखिए एक जनरल सा आंसर लिख देंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम इनिशिएट किया, हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ठीक है, इसके अलावा हमें अपने घरों में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीजें अगर आप लिखेंगे तो एक जनरल आंसर में आ जाता है, ठीक है। इससे जो आपका एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेकर होगा, उसको कोई नई चीज नहीं मिलेगी, उसको पता है कि हर कॉपी के अंदर यही 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। आपको क्या लिखना है, आपको ये जो फ्रेजेस है इनको यूज करना है कि हमने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, फिर उसी की तर्ज पर हमने स्वच्छ रेल अभियान शुरू किया, फिर हमने स्वच्छ पखवाड़ा भी शुरू किया, फिर स्वच्छ विद्यालय अभियान शुरू किया। जब आप इस तरीके से आंसर लिखते हैं ना, तो जो कॉपी चेकर है उसको लगता है कि हाँ 10-15-20-25-30 आंसर शीट को चेक करने के बाद एक ऐसी आंसर शीट आई है जिसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे गए हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, और वो आपकी जो आंसर कॉपी है उसको काफी इंटरेस्ट से पढ़ना शुरू करता है और आपको डेफिनेटली ज्यादा मार्क्स देता है। देखिए वहां पे आप खुद अवेलेबल नहीं होंगे जब भी आपकी कॉपी चेक हो रही होगी, जो तो 100 कॉपीज के अंदर जो चेक करी जानी है उसमें से आपकी कॉपी अलग कैसे बनेगी, वो इसी तरीके से बनेगी। देखिए आपको ऐसे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ऐसी ही फ्रेजेस लिखनी पड़ेंगी, ऐसी ही टर्मिनोलॉजीज का यूज करना पड़ेगा ताकि कॉपी चेकर जो है वो टोटली इंप्रेस हो जाए आपके आंसर से और ऐसी चीजें उसमें लिखी हो जो बाकी कॉपीज के अंदर ना लिखी हो। तो जनरल स्टडीज का जो पेपर है, ठीक है, जनरल आंसर्स लिखने होते हैं, लेकिन पॉइंट्स इतने भी जनरल नहीं होने चाहिए कि कॉपी चेकर को ये लगे कि ये तो हर दूसरे बच्चे ने लिखा हुआ है। तो आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो अपने नोट्स में लिख लेने चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली स्वच्छ विद्यालय अभियान जो है इसको लॉन्च किया गया है, तो ये आपको आंसर में, आपके आंसर में जरूर होना ही होना चाहिए। चलिए अब हम स्वच्छ विद्यालय अभियान के बारे में देखते हैं। तीन स्टेटमेंट दिए और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहला है इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेकेंड, इट मैंडेट्स दैट ऑल स्कूल्स मस्ट हैव सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, तो यहां पे लड़के और लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स जो है इसके लिए भी मैंडेटरी प्रोविजन बनाए गए हैं। इट्स नॉर्म्स रिक्वायर आंगनवाड़ीज टू बिल्ड टॉयलेट्स, तो यहां पे आंगनवाड़ीज जो है उनको कहा गया कि आप टॉयलेट्स बनाएंगे। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहां पे रिसेंटली हुआ क्या है, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कहा है कि काफी सारी इरेगुलरिटीज जो है वो पाई गई हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो स्कूल अपने कंस्ट्रक्ट करती है। तो CPSEs जो है वो भी कई सारे स्कूल्स को चलाती है और वहां पे उन स्कूल्स के अंदर टॉयलेट्स होना काफी जरूरी है, लेकिन यहां पे एक ऑडिट किया गया है और CAG ने पाया है कि काफी सारी इरेगुलरिटीज जो है खासतौर पर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स के अंदर पाई गई है CPSE के द्वारा चलाए गए स्कूल्स के अंदर, और इसलिए कहा गया है इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली चेंज द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, जो CPSEs हैं उनको टॉयलेट्स बनाने चाहिए, वहां पे रनिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, और अभी हैंड वॉश तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, ये फैसिलिटी हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, और जो टॉयलेट्स हैं वो आपको मेंटेन करने 3-5 ईयर्स वाइल चार्जिंग द एनुअल एक्सपेंसेस टू देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट। अब होता क्या है, CPSEs जो है
जो स्कूल्स के अंदर पैसा खर्च करती हैं उसी हिसाब से सीएसआर बजट्स में तो दिखा देती हैं कि हमने इतना पैसा स्कूल को बनाने में खर्च किया, हमने इतना पैसा स्कूल को कंस्ट्रक्ट करने में या फिर मेंटेन करने में खर्च किया, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स जो होते हैं वो दिख नहीं पाते हैं, ऐसा सीएजी की रिपोर्ट ने बताया। काफी सारी इरेगुलरिटीज पाई गई हैं, इसी वजह से सीएजी ने इस इश्यू को फ्लैग किया है। क्या स्वच्छ विद्यालय अभियान जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाया गया? यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और सीएजी की रिपोर्ट के बाद ही ये पर्टिकुलर एरिया जो था वो काफी न्यूज में उभरा। और यहाँ पे जो स्वच्छ विद्यालय अभियान है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाया गया, और इसके अंदर एक प्रोविजन ये भी डाला गया है कि बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होना जरूरी है, जो कि सीएजी ने कहा है कि सीपीएससी को ध्यान देना चाहिए क्योंकि टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के अंदर काफी इरेगुलरिटीज मिली है। प्रोबेबली ऐसा होगा बॉयज एंड गर्ल्स के जो टॉयलेट्स होंगे या तो वो सेपरेट नहीं होंगे, सेपरेट होंगे तो उतने अच्छा मेंटेन नहीं किया गया होगा, कुछ स्कूल्स में मे बी कंस्ट्रक्शन ही नहीं किया गया होगा, जो रनिंग वहां पे वाटर हैंड वॉशिंग के लिए जो वाटर है रनिंग वाटर है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें सीएजी ने जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं इन इरेगुलरिटीज को यहाँ पे सीपीएसएस को बताया कि आप अपने बजट के अंदर जो सीएसआर के लिए पैसा देते हैं मेक श्योर कि वो ठीक तरीके से यूज हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट दी गई है वो आंगनवाड़ी को नहीं दी गई है, वो सीपीएसएस को कहा गया कि आप अच्छे से अपने टॉयलेट्स बनवाएं स्कूल्स के अंदर और उसे मेंटेन भी करें। अगर सच में आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक तरीके से डिस्चार्ज करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि सच में आपने सीएसआर किया है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? आंसर विल बी बी। पहली दो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, उससे पहले स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आई होप आपने पूरी सीरीज जो होगी ये देख ली होगी और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके प्रीलिम्स में जा रहे होंगे। क्विजेस को बहुत अच्छे से करके जाइएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पीडीएफ भी इसके ऊपर डाली गई है, उसे अच्छे से रीड करके जाइएगा। जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं करी है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, तो प्रीलिम्स के अंदर काफी आपको हेल्प करने वाली है। मेंस की सीरीज इस सीरीज के बाद हम लाएंगे जब हम मेंस के एग्जाम जो होगा वो पास आ जाएगा उसकी तैयारी करवाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है राइट टू एजुकेशन की बात करता है। पूछा गया कि राइट टू एजुकेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है राइट टू एजुकेशन एक्ट एम्स टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स, तो 6 साल से 14 साल की आयु के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देने की बात करी गई है राइट टू एजुकेशन के अंदर, ये हो सकता है। सेकेंड, इट एनफोर्सेज एजुकेशन एज द फंडामेंटल राइट, तो राइट टू एजुकेशन के अंदर जो एजुकेशन एक तरीके से फंडामेंटल राइट है आपका, और ये एक्ट मैंडेट करता है द एक्ट मैंडेट 33% रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, 33% रिजर्वेशन देने की बात करी गई है डिसएडवांटेज सेक्शन को सोसाइटी के अंदर। सोचिए, चलिए, राइट टू एजुकेशन जो है यस इट इज अ फंडामेंटल राइट, और कहां दिया गया है ये? इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 21A, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 21A के अंदर ये दिया गया है। और यहाँ पे राइट टू एजुकेशन जो है प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात करती है 6 साल से 14 साल की आयु के बच्चों के लिए। लेस देन 6 साल जो के बच्चे होते हैं वहां पर ये चीज अप्लाई नहीं होती है, लेकिन 6 से 14 साल के जो आयु के बच्चे होते हैं वहां पर प्राइमरी एजुकेशन देने की बात करी गई है। और अगर रिजर्वेशन की बात करें तो यस एक्ट मैंडेट करता है कि 25% रिजर्वेशन जो है डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को देना चाहिए जहां पर डिफरेंटली एबल आते हैं, सोशली बैकवर्ड आते हैं, SC ST आते हैं, और साथ में ही इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन के बच्चे आते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी आंसर होगा, क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, 25% रिजर्वेशन देने का प्रावधान है, 33% नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि STI की बात कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिकेटर्स रिपोर्ट की। STI रिपोर्ट के अंदर पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अभी रिसेंटली STI रिपोर्ट जो है वो निकाली गई है 2019-20 के लिए, और इंडिया की जो परफॉर्मेंस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले STI रिपोर्ट को लेकर दो स्टेटमेंट्स। पहली कहती है STI रिपोर्ट इज रिलीज बाय नीति आयोग, इसे नीति आयोग ने रिलीज किया है। इन 13 ईयर्स 42% ऑफ पेटेंट क्लेम्स केम फ्रॉम इंडियंस, तो 42% जो पेटेंट्स हैं वो इंडियंस की तरफ से आए हैं अगर हम पिछले 13 साल की बात करते हैं। तो सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं, तो STI रिपोर्ट की बात करें तो इसे कौन लेके आया है? STI रिपोर्ट इज रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो नीति आयोग नहीं लेके आया, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। और अगर बात करें कि कितने पेटेंट्स हैं वो इंडियंस ने दिए, देखिए इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो डिसमली बिलो एवरेज रही है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। 2005-06 से 17-18 की बात करें, टोटल 5,10,000 पेटेंट्स एप्लीकेशन जो फाइल करी गई है, और यहाँ पे 3/4 जो है अराउंड 75% फॉरेन एंटिटीज के द्वारा करी गई है, तो 24% जो पेटेंट्स हैं ना कि 42% जो कि इंडियंस के द्वारा फाइल किए गए हैं। सो इन 13 ईयर्स 24% ऑफ द पेटेंट्स क्लेम केम फ्रॉम इंडियंस, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर विल बी सी, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट आपको बताना था, ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट जो है सेस के बारे में है, सेस और सरचार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक सेक्शन के आपके इंडियन इकोनॉमी को लेके ये दो करंट अफेयर्स हैं, दो एमसीक्यूज हैं, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सेस के ऊपर तीन स्टेटमेंट दिए और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी हुआ क्या है, रिसेंटली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने पार्लियामेंट को बताया है कि सेंटर हैज ओनली ट्रांसफर्ड 60% ऑफ इट्स प्रोसीड्स फ्रॉम सेस जो कि फिस्कल ईयर 2018-19 में लगाई गई थी टू द रेलिवेंट रिजर्व फंड्स एंड रिटेन्ड द बैलेंस इन द सीएफआई। तो यहां पे सिर्फ 60% जो सेस था सेंटर ने कहां ट्रांसफर किया है, रिजर्व फंड के अंदर ट्रांसफर किया है, और बाकी का जो है वो सारा का सारा कहां पे रखा है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रिटेन करके रखा है, ऐसा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने बताया है पार्लियामेंट को, और इसी वजह से सेस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सेस इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स लेविड ओवर एंड अबव द बेस टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर। तो जो टैक्स पेयर होता है उसकी जो बेस टैक्स लाइबिलिटी होती है उसके ऊपर सेस को लगाया जाता है। मे बी सेस इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, ये भी हो सकता है। इट कैन बी लेविड ऑन बोथ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस ओनली। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके के जो टैक्सेस होते हैं उनके ऊपर इसे लगाया जा सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहां पे जो बेस आपकी टैक्स लाइबिलिटी होती है, ठीक है, आपके ऊपर मान लीजिए 18% का टैक्स लगा, उसके ऊपर जो है वो सेस लगाया जाता है। तो सेस इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स लेविड ओवर एंड अबव जो आपकी बेस टैक्स लाइबिलिटी होती है, इसके अलावा फर्दर आपके ऊपर सेस लगाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब बात करी जाए इज इट अ परमानेंट सोर्स, नहीं, ये परमानेंट सोर्स नहीं होता है रेवेन्यू का गवर्नमेंट के लिए, ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, और जैसे ही पर्पस अचीव हो जाता है इस पर्टिकुलर सेस को हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा 2015 के अंदर स्वच्छ भारत सेस लगाया गया था, स्वच्छ भारत सेस 0.5% लगाया गया था, ये इम्पोज किया गया था ताकि रोड्स को स्ट्रीट्स को जो है वो क्लीन किया जा सके, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर 2016 में इंफ्रास्ट्रक्चर सेस बनाया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो था वो व्हीकल्स के प्रोडक्शन के ऊपर लगाया गया था, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, और जब वो पर्पस अचीव हो जाता है तो इस सेस को हटा लिया जाता है। क्या ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके के टैक्सेस पे लगाया जा सकता है, उनके अबव लगाया जा सकता है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दोनों के अबव ओवर एंड अबव ये लगाया जा सकता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, इससे सरचार्ज के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सरचार्ज के बारे में पूछ रहे हैं। सेस और सरचार्ज क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सरचार्ज को लेकर पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली कहती है अ सरचार्ज इज एन एक्स्ट्रा फी, इसे एक्स्ट्रा फी के तौर पर भी जाना जाता है। इट इज एडेड टू एन एग्जिस्टिंग टैक्स, जो एग्जिस्टिंग टैक्स आप दे रहे होते हैं उसके ऊपर इसे लगाया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है। इट इज लेविड फॉर एक्स्ट्रा सर्विसेज और टू डिफ्रे द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज्ड कमोडिटी प्राइसिंग। तो ये किस चीज के लिए लेवी किया जाता है, जब कोई एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करी जाती है उस चीज के लिए, या फिर जो इंक्रीज्ड कमोडिटी प्राइस है उसको पे करने के लिए इसे लगाया जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहां पे पहली बात तो सरचार्ज का बताऊं कि फॉर एग्जांपल अगर हम इनकम की बात करें, तो इनकम अगर एक पर्टिकुलर लेवल से सरपास करती है तो हमारे यहां पे जैसे कि 50 लाख, सो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के अंदर इनकम 50 लाख से क्रॉस करती है तो यहां पे 10% सरचार्ज लगाने का प्रोविजन होता है, और सरचार्ज जो टैक्स अमाउंट होता है उसी के ऊपर लगाया जाता है। मान लीजिए ऑलरेडी जो टैक्स है वो 5 लाख लग चुका है किसी चीज के ऊपर, तो फर्दर जो 10% होगा वो इस 5 लाख पे लगाया जाएगा। सिमिलरली जब इनकम 1 करोड़ से सरपास करती है तो जो सरचार्ज लगाया जाता है वो 15% लगाया जाता है, ठीक है। तो यहां पे इज इट एन एक्स्ट्रा फी, यस, आपको एक्स्ट्रा फी देनी पड़ती है, और ये एडेड जो आपका एग्जिस्टिंग टैक्स होता है उसी के अंदर ऐड किया जाता है। तो यस, यहाँ पे 5 लाख आपका एग्जिस्टिंग टैक्स है, उसके अंदर ही 10% 55 लाख जो होगा वो आपका टोटल टैक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक हो जाती है। क्या ये एक्स्ट्रा सर्विस के लिए लगाया जाता है, तो ये तीसरी स्टेटमेंट जो हमारी है ये भी करेक्ट हो जाती है। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा डी। अभी एक बार जो डिफरेंस है वो दोबारा देख लीजिए। स्लैब रेट सबको पता है, टैक्स रेट्स जो होती हैं वेरियस आप एवरी ईयर देखते हैं कि डिवाइड होती है कि अप टू 2.5 लाख जो है वो टैक्स नहीं लगेगा, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। मान लीजिए अप टू 5 लाख हो जाता है तब 0% टैक्स हो जाएगा, देन आपका स्लैब रेट में 10% रहता है, फिर 5 to 10, 5 to 20 लाख में रहता है। ये अभी तो यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख में 20% है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ये जो हमारा जो स्लैब रेट आज के टाइम पे चल रहा है। सेस एक एडिशनल टैक्स होता है जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। सिमिलरली सरचार्ज जो आपका होता है एडिशनल टैक्स होता है जो कि इनकम के ऊपर, जो कि एक स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर आपने अर्न करी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 50 लाख से ऊपर अगर जा रहे हैं तो वहां पे 10% टैक्स लग जाएगा, 1 करोड़ से ऊपर आपकी इनकम जा रही है तो 15% सरचार्ज लग जाएगा, तो उस चीज के लिए इसे लिया जाता है।
तो ये जो बेसिक डिफरेंस है इसे ध्यान रखिएगा। एक बार रेट्स देख लेते हैं यहाँ पे। टैक्सेबल स्लैब्स जो हैं तो 2.5 लाख से 5 लाख के लिए 5% है ऑफ टोटल इनकम, मतलब अप टू 2.5 लाख जो है वो जीरो है, नील रहेगा। इसमें 4% सेस का भी प्रावधान है। सेस मैंने आपको बताया था, सेस में आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेस स से शुरू होता है और सेस मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक भी स से शुरू होता है। इवन दो ये सी से शुरू हो रहा है और ये एस से शुरू हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सेस और स्पेसिफिक, ठीक है? इससे आपको याद रहेगा सेस स्पेसिफिक। इस तरीके से इसको याद करने की कोशिश करेगा, आपको एग्जाम में याद आ जाएगा कि सेस का मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है और ये जो 4% जो है स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा। जिस चीज़ के लिए होगा जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, जैसे कि एजुकेशन के लिए हो सकता है, हायर एजुकेशन के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, स्वच्छ भारत के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे ही ऑब्जेक्टिव अचीव होगा ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है? तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो रेट है वो आपका 20% है, 10 लाख एंड अबव के लिए 30% है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि प्लास्टिक पार्क्स को लेके पूछा गया। प्लास्टिक पार्क्स को लेकर आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है? पहली स्टेटमेंट कहती है एनजीटी हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप 10 प्लास्टिक पार्क्स इन द कंट्री। तो एनजीटी ने अभी अप्रूव किया है 10 प्लास्टिक पार्क्स जो है कंट्री के अंदर सेटअप किए जाएंगे। अ प्लास्टिक पार्क इज एन इंडस्ट्रियल जोन डिवोटेड टू प्लास्टिक एंटरप्राइज एंड इट्स एलाइड इंडस्ट्री। तो जो प्लास्टिक पार्क होते हैं ये बेसिकली इंडस्ट्रियल जोन के अंदर डिवोट किए जाते हैं, किसको? प्लास्टिक एंटरप्राइजेस को और इसकी एलाइड इंडस्ट्रीज को। हो सकता है द शेयर ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड ट्रेड ऑफ प्लास्टिक इज वेरी हाई। जो इंडिया का शेयर है अगर हम प्लास्टिक्स की बात करें वर्ल्ड ट्रेड इन प्लास्टिक में, तो काफी ज्यादा है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड की बात करी जा रही है। चलिए चलिए, आई होप सोच लिया होगा आपने इसके बारे में। तो यहां पे अगर हम कहें क्या 10 प्लास्टिक पार्क्स बनाने की बात करी गई है, तो यस 10 प्लास्टिक पार्क्स बनाने की बात करी गई है, बट दैट इज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, नॉट बाय एनजीटी। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। प्लास्टिक पार्क जो है इज एन इंडस्ट्रियल जोन जो कि डिवोट किया जाता है प्लास्टिक एंटरप्राइज को और इसकी एलाइड इंडस्ट्री को। तो ये पहली सेकंड स्टेटमेंट हमारी कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। और अगर शेयर की बात करें क्या शेयर इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड ऑफ प्लास्टिक्स के अंदर काफी ज्यादा है, तो नहीं, द शेयर ऑफ इंडियन वर्ल्ड ट्रेड ऑफ प्लास्टिक इज वेरी लो, रादर इसे काफी कम है अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑफ प्लास्टिक्स की बात करते हैं। तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। और ये जो पार्क्स बनाए जाएंगे ये वेरियस स्टेट्स में बनाए जाएंगे, जैसे असम के अंदर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ रीजन के अंदर ये 10 प्लास्टिक पार्क्स जो है ये बनाने की बात करी गई है। रिसेंटली ये न्यूज में था। सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है, इस वजह से आंसर हमारा हो जाएगा ए, सिर्फ सेकेंड हमारा करेक्ट है। अभी चलते हैं रिविजन के ऊपर। अभी हम 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, उसके बाद प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है कल के वीडियो से रिलेटेड वो देखेंगे, और विनर कौन है हमारे उनको देखेंगे। शुरुआत हमारी हुई थी मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 से, और यहां पे मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 को रिप्लेस करेगा ये। यहां पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करी गई जो कि वर्ल्ड क्लास नेचर का होगा। मेजर पोर्ट्स के लिए बोर्ड ऑफ पोर्ट अथॉरिटी बनाने की बात करी गई है, माइनर पोर्ट्स के लिए ऐसा नहीं है। लोकसभा में अभी रिसेंटली मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 पास किया गया है, इसी वजह से ये न्यूज में था। देन हमने मूव ऑन किया था रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। दिनकर इनका पेन नेम था, अपने आपको बैड गांधीन के तौर पर ये जानते थे। पद्म भूषण 1959 में इनको दिया गया था, और 1952 से 1964 तक ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे थे। और अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रिब्यूट जो है वो इनको इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे दिए। देन वी डिस्कस्ड अबाउट G4 के बारे में। G4 ग्रुप ऑफ नेशंस हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की मांग करते हैं, जिसमें ब्राजील, इंडिया, जापान और जर्मनी आते हैं, ठीक है? अभी यूनाइटेड नेशन ने अपनी 75th एनिवर्सरी जो थी वो सेलिब्रेट करी थी, और तभी G4 का जिक्र हुआ था। फिर हमने डिस्कस किया था इंटरकॉमेंटल नेगोशिएशन के बारे में। तो इसके मेंबर्स में अफ्रीकन यूनियन आता है, अरब लीग आती है, कैरिबियन कम्युनिटी आती है, साथ में G4 आता है, UFC आता है, L69 डेवलपिंग नेशंस का ग्रुप आता है, ध्यान रखिएगा इसको भी। देन उसके बाद स्वच्छ विद्यालय अभियान के बारे में डिस्कस किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये एक इनिशिएटिव है, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट यहाँ पे टॉयलेट्स होने चाहिए। और ये जो काम CPSE के रिपोर्ट को फ्लैग किया है, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कहा है कि जो भी आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर पैसा खर्च कर रहे हैं वो उतना अच्छे से खर्च होता हुआ हमें दिख नहीं रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जो टॉयलेट्स हैं उसके अंदर आप रनिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड करिए, साथ में हैंड वॉशिंग की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करिए, ठीक है? मेंस के लिए भी मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ रेल अभियान, स्वच्छ विद्यालय अभियान, इन सब चीजों को अगर सैनिटेशन पे क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में लिखना है। देन हम क्वेश्चन नंबर 6 पे गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमने देखा था राइट टू एजुकेशन के बारे में। 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट है, 21A के अंदर आता है, और 25% रिजर्वेशन देने की भी इसके अंदर बात करी गई है टू द एजुकेशनली एंड वीकर सेक्शन को।
इसके ऊपर डिस्कशन हमारा हुआ था एसटीआई रिपोर्ट के बारे में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिकेटर रिपोर्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेके आता है, हमारी पोजीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है पेटेंट फाइलिंग को लेकर, और 24% जो है वही इंडियंस की तरफ से पेटेंट्स की यहाँ पर एप्लीकेशन आई है। देन सेस और सरचार्ज के बारे में देखा था, ये हमने डिस्कस किया था। सेस के बारे में, परमानेंट सोर्स नहीं होता है, टेम्परेरी सोर्स होता है, जब काम हो जाता है तो इसको हटा दिया करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही टैक्सेस के ऊपर लगाया जा सकता है, और ये जो है जो बेस टैक्स लाइबिलिटी होती है उसके ऊपर लगाया जाता है। सरचार्ज के अंदर जो बेसिक इनकम से ऊपर की जो इनकम होती है वहाँ पर सरचार्ज लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख से ऊपर अगर आप कमा रहे हैं तो 10% का यहाँ प्रावधान है, 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं तो 15% का यहाँ प्रावधान है। सो इट इज़ एन एक्स्ट्रा फी जो कि एक्जिस्टिंग टैक्स पर लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, और एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए लगाया जाता है। जो स्लैब्स हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ये स्लैब्स हमने डिस्कस किए थे, अप टू 2.5 लाख कुछ भी नहीं था, 2.5 लाख से 5 लाख 10% था, और 5 लाख से 10 लाख यहां पे 20% है, और देन 10 लाख से अबाउ 30% था। देन प्लास्टिक पार्क्स के बारे में देखा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने अप्रूव किया है 10 पार्क्स कहाँ कहाँ आएंगे, उड़ीसा तमिलनाडु से लेकर झारखंड उत्तराखंड के अंदर ये पार्क्स बनाए जाने वाले हैं। और इंडिया के शेयर की बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑफ प्लास्टिक्स के अंदर तो उतनी अच्छी हमारी यहाँ पे पोजीशन नहीं है, प्लास्टिक्स के अंदर जो ट्रेड है वो वेरी लो पोजीशन में है अगर हम अपनी इंडिया की बात करते हैं तो। फ्यूचर में हो सकता है इसे इंप्रूव किया जा सके। 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, कॉमेंट सेक्शन में मार्क्स अपने जरूर लिख दीजिएगा, और जो क्वेश्चन का आंसर करना है, कल हमने देखा था IUCN स्टेटस वन हॉर्न्ड राइनो के बारे में, इसको बताइएगा कि IUCN स्टेटस वन हॉर्न्ड राइनो का क्या है। नहीं पता तो लास्ट टाइम जो वीडियो हमने देखा था उसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर गौतम पंडित ने किया है, तो कांग्रेचुलेशन गौतम, आप हमें netmockprep@gmail.com पे बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो किस लैंग्वेज में चाहिए। कमेंट सेक्शन में मार्क्स लिख दीजिएगा, मार्किंग स्कीम आपको पता है, कोई भी आपका डाउट होता है टेलीग्राम के ऊपर मुझसे पूछ लीजिएगा, और इसकी जो PDF है इस पर्टिकुलर लेक्चर की वो भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।